भक्तिमय भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल भक्ति भजन सागर। नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की। भक्तों, जब जब धरती पर पाप और पापियों का उत्पाद बढ़ता है, तब तब भगवान श्री हरि विष्णु भिन्न भिन्न रूपों में अवतार धरके धरती पर अवतरित होते हैं और पाप और पापियों का विनाश करते हैं। आइए आज मैं आपको भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा समय समय पर धारण किए गए 10 अवतारों की संगीतमय कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो एक बार फिर सच्ची श्रद्धा से मेरे साथ बोलिए, बोले श्री हरि भगवान विष्णु नारायण की। जब जब धरती पे पाप बढ़े हो, जब जब धरती पे पाप बढ़े, प्रभु लेते हैं अवतार। ले अवतार प्रभु करते हैं धरती का उद्धार। जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि। भक्तजनों, श्री हरि नारायण के 10 अवतारों की कथा इस प्रकार से है। श्री हरि विष्णु ने प्रथम अवतार मत्स्य रूप में धारण किया था। भक्तों, उन्होंने यह अवतार धरती को प्रलय से बचाने हेतु धारण किया था। प्रलय के समय उन्होंने राजा सत्यव्रत को आदेश दिया कि वो एक नौका पर सप्तऋषियों, बीजों, वेदों, पुराणों, उपनिषदों और प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर बीच जल में आ जाए। वो मत्स्य बनकर आएंगे और नौका सहित उन सबको बचाकर ले जाएंगे। प्रभु ने ऐसा ही किया और धरती माँ को प्रलय से बचाया। दूसरे अवतार में श्री हरि ने कूर्म अर्थात कछुए का रूप धारण किया। सागर मंथन के समय मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी को नेती तो बनाया था, परंतु मंदराचल का आधार क्या बने, यह प्रश्न सन्मुख था। तभी श्री हरि भगवान ने कछुए का रूप धर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धराया और सागर मंथन संपूर्ण हो सका। मत्स्य अवतार धरा विष्णु ने धरती प्रलय से बचाए, राजा सत्यव्रत सप्त ऋषि और बीज और वेद बचाए। कूर्म रूप में मंदराचल को अपनी पीठ धराए, सागर मंथन कूर्म रूप में हरि संपूर्ण कराए। सृष्टि के कल्याण के खातिर हो, सृष्टि के कल्याण के खातिर धरे थे ये अवतार। सारी सृष्टि मना रही है श्री हरि का आभार। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। श्री हरि ने तीजा अवतार वराह रूप में धारण किया था। भक्तों, जब दैत्य हिरण्याक्ष पृथ्वी का अपहरण कर उसे पाताल में ले गया, तब ब्रह्मा जी की नासिका से श्री हरि का वराह अवतार प्रकट हुआ, जिसने अपने विशाल नथुनों से सूंघ कर धरती माँ का पता लगाया और पाताल जाकर हिरण्याक्ष दैत्य का अंत कर पृथ्वी को मुक्त कराया। बोलिए वराह अवतार की। चतुर्थ अवतार में श्री हरि ने
नरसिंह का रूप धारण किया भक्तों। दैत्य हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी द्वारा मिले वरदान के कारण सारी पृथ्वी पर उत्पात मचाया, परंतु उसी का पुत्र प्रहलाद उसका परम शत्रु बना। उसी प्रहलाद को बचाने खातिर और हिरण्यकश्यप का अंत करने प्रभु ने नरसिंह अवतार धारण किया। तो बोलिए नरसिंह अवतार की। वरह रूप में हिरण्याक्ष को श्री हरि मार गिराए, दांतों मध्य में पृथ्वी उठाई उसे बचा कर लाए। चौथा रूप नरसिंह का तो भगवान ने था धारा, भक्त प्रहलाद बचाया भक्तों हिरण्यकश्यप मारा। गोद बिठाया प्रहलाद को, गोद बिठाया प्रहलाद को दीना अपना प्यार। प्रहलाद ने स्तुति गाई भक्तों बारंबार, जय जय नारायण हरि बोलो नारायण हरि। पंचम रूप में श्री हरि ने वामन का रूप बनाया और दैत्यराज बलि के द्वारे पहुंच गए। दान में 3 पग भूमि मांगी, 2 पग में ही सारी सृष्टि नाप ली और 3जा पग उसके शीश पर धर उसे पाताल पहुंचाकर उसका उद्धार कर दिया। 6ठे अवतार में श्री हरि ने परशुराम का रूप धारण किया और ब्राह्मण होकर भी भगवान शिव द्वारा प्रदत्त फरसा हाथ में उठाकर पाप और पापियों का पृथ्वी से 3-3 बार विनाश किया। बोलिए श्री हरि के अवतारों की। पंचम रूप में वामन बनकर श्री हरि विष्णु आए, बलि के सिर पर पांव धरा और भव से पार लगाए। 6ठे रूप में परशुराम बन हाथ में फरसा उठाए, सहस्त्र बाहु भुजा उखाड़ी पापी मार गिराए। 3ों लोकों ने है गाई हो, 3ों लोकों ने है गाई हरि की जय जयकार। विष्णु अवतारों को कर लो नमन तो 100-100 बार, जय जय नारायण हरि बोलो नारायण हरि। श्री हरि ने अपना 7ठा अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में लिया था भक्तों, और मानव जीवन को कैसे जिया जाए इन मूल्यों को सिखाते हुए पापी रावण का अंत कर समस्त पृथ्वी पर राम राज्य स्थापित किया था। 8ठे अवतार में श्री हरि ने अपना संपूर्ण अवतार यानी भगवान कृष्ण अवतार लिया। कभी बंसी बजाते माखन चोर कहते, लीला दिखाते कंस का वध किया और अर्जुन को विराट रूप में गीता ज्ञान देकर महाभारत के महानायक बने। तो बोलिए भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की। सप्तम रूप राम का धारा रावण को थे मारे, राम राज्य स्थापित कीना गूंज रहे जयकारे। 8ठम रूप में श्री कृष्ण का रूप प्रभु जी धारे, पापी कंस को मार प्रभु ने सबके कष्ट बिडारे। गीता ज्ञान दिया सृष्टि को, गीता ज्ञान दिया सृष्टि को सबने माना भार। सबसे पूर्ण है श्री हरि का कृष्णा का अवतार, जय जय नारायण हरि श्रीमन नारायण हरि। जय नारायण हरि, जय जय नारायण।
नवम रूप में श्री हरि ने अहिंसा का संपूर्ण रूप धरते हुए भगवान बुद्ध का रूप बना अवतरण लिया और सृष्टि को अहिंसा परम धर्म है इस बात का संदेश दिया। दशम रूप में श्री हरि इस घनघोर कलयुग में भक्तों कल की भगवान आएंगे और नीले घोड़े पर बैठकर इस कलयुग के समस्त पाप ताप और संतापों का नाश कर पृथ्वी और प्राणियों की रक्षा करेंगे। तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की। नवम रूप श्री बुद्ध का धारा अहिंसा पाठ पढ़ाए, है अहिंसा परम धर्म ये सबको बात बताए। दशम रूप में कल की बनकर प्रभु जी तो आएंगे, इस कलयुग के पाप ताप सब मिटा के वो जाएंगे। चंदन तिलक ने महिमा गाई हो, चंदन तिलक ने महिमा गाई भक्तों बारंबार, भक्तों का कल्याण करें श्री विष्णु अवतार। श्रीमन नारायण हरि, जय जय नारायण हरि।